बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन स्टिक बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। चिकन स्टिक जो बड़ी बड़ी बेकरी पे मिलती हैं, बहुत जो है वो पसंद की जाती हैं, वही स्टिक्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने ले लिए हैं हल्दी, ले ली है लाल मिर्ची, ले ली है। इन सब की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। हरी मिर्चें मैंने पिसी हुई ले ली हैं और मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है, धनिया पाउडर, ठीक है। इसके अलावा मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं, भुने हुए चनों को पीस के ग्राइंड करके रख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है, काली मिर्चें ले ली हैं, पिसी हुई प्याज ले ली है, ठीक है। बिल्कुल एक स्पून मैंने पिसी हुई प्याज का पेस्ट लिया है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला ले लिया है, गरम मसाला, ठीक है। और नमक, नमक हसबे जायका जाएगा। उसके अलावा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और साथ ही इसके मैंने दही भी ले लिया है, दही भी इसमें जाएगा। सबकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी मसालों के साथ साथ। ये दो अंडे मैंने फेंट के रख लिए हैं, ठीक है। दो अंडे, इनको भी बताऊंगी इसका किस तरह यूज़ होगा। ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले लें ब्रेड क्रम्स बारीक वाले। और मैंने चिकन ले ली है, ये तकरीबन एक पाव चिकन है, बोनलेस चिकन है। और इसके मैंने स्क्वायर पीस जो है वो काट के रख लिए हैं। ये मैंने 12 स्टिक के लिए ली है। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें 4 खाने के चमचे दही डाल दूँगी, ठीक है। 4 स्पून इसमें दही जाएगा, लहसुन अदरक इसमें 1 स्पून जाएगा खाने का, ठीक है। लहसुन अदरक पेस्ट 1 स्पून ही इसमें चली जाएगी, पिसी हुई प्याज, ठीक है, प्याज का पेस्ट चला जाएगा। अब इसमें मैं भुने हुए चने डाल दूंगी, ये तकरीबन 4 खाने के चमचे भुने हुए चने हैं। हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल दूंगी, ये भी 1 स्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून जो है इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा। कुटा हुआ जीरा इसमें 1 स्पून चला जाएगा, ठीक है। 1 स्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्च और 1 ही स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला भी 1 स्पून चला गया। अब इसमें 1/2 स्पून हल्दी के जाएगा, ठीक है। हल्दी का 1/2 स्पून जाएगा इसमें। नमक इसमें मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी नमक की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं इसमें जो है वो बिल्कुल 1-2 चुटकी जो है वो जर्दे का रंग, कलर के लिए, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए इसमें बिल्कुल ज़रा सा मैं जर्दे का रंग डाल दूँगी, ठीक है, 1-2 चुटकी, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मिक्स कर लिया है, अब इसको कम से कम आधा घंटा आपने मैरिनेशन के लिए रखना है, ठीक है। आधा घंटा इसको स्टे देना है। अब हम इसको स्टिक्स पर लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम स्टिक पे इसको लगा लेंगे। 4 या 5 बोटियाँ एक स्टिक पर आएंगी, ठीक है। इसके आगे का इसका जो है वो कोना और पीछे का जो है वो दोनों जगह हम जो है वो खाली छोड़ेंगे और बीच में इसके हम 4 या 5 बोटी इस तरह लगाएंगे कि गैप ना आए, ठीक है। इस तरीके से मैं लगा दूंगी। दूसरी स्टिक भी दिखा रही हूँ आपको, बाकी स्टिक भी हम इसी तरीके से अपनी तैयार कर लेते हैं। ये स्टिक भी आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएंगी, ठीक है। ये देख लें, इस तरीके से तमाम स्टिक हम तैयार कर लेते हैं। ये स्टिक हमने तमाम जो है वो तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसकी कोटिंग बताती हूँ कैसे होगी। पहले हम जो है वो ब्रेड क्रम में इस तरीके से इसको डिप करेंगे। चारों तरफ से हम जो है वो ब्रेड क्रम इसके लगा देंगे, घुमा के इसको चारों तरफ से इसके जो है वो कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम की। थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर देंगे। एक स्टिक मैंने बता दी है, दूसरी भी मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करके और चारों तरफ इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम से कर देनी है, ठीक है। ये देख लें, बाकी स्टिक भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। बाकी स्टिक भी कर ली हमने तैयार। अब हम इसमें अंडे की कोटिंग करेंगे, ठीक है। लास्ट कोटिंग है हमारी, ये अंडे की होगी इस पर,
इस तरीके से हम स्पून से इस पर अंडा लगा लेंगे चारों तरफ कि कहीं से कोई जगह इसमें खाली ना रहे। और अब हम इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे, ठीक है। ये मीडियम लो फ्लेम मैंने किया हुआ है, ज़्यादा तेज़ आपने ऑयल गरम नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ अगर ऑयल हो गया तो अंदर से बोटियाँ कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इसका जो है वो कलर आ जाएगा, जल भी सकते हैं ये ऊपर से, ठीक है। तो हमें बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको गोल्डन बिल्कुल होने तक और फ्राई करना है। साथ साथ हम इसको इस तरीके से फॉर्क की मदद से जो है वो अलटते पलटते रहेंगे और बाकी की स्टिक पर भी हम अंडा लगा लेते हैं और इनको भी फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पर ही ये फ्राई होंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है, ये आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे जो है वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें जो है वो यही रेसिपी बना कर दें, यही स्नैक्स बना कर दें। बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती और फीकी भी नहीं होती, और टेस्टी होती हैं। बड़ी बड़ी बेकरियों पर आपको ये मिलती हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ये इसी रेसिपी को घर पे बना लेंगे तो फिर आप खुद घर पर ही इनको बनाएंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत जो है वो आसान रेसिपी है, मतलब बच्चे इसको शौक से खा लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम स्टिक्स को जो है वो गोल्डन कर लेंगे इस तरीके से मीडियम लो फ्लेम पे। अब हम इसको निकाल लेते हैं, हमारी तमाम स्टिक जो है वो फ्राई हो चुकी हैं, एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तमाम स्टिक हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ठीक है, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके जो है वो कमेंट्स में फीडबैक भी दिएगा, और बहुत एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको बार बार यही रेसिपी जो है वो बहुत इजी भी लगेगी और टेस्टी भी लगेगी। बार बार आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे और आपके बच्चे भी बहुत शौक से ये रेसिपी खाएंगे, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।